हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरा सवाला सलाम सुबह का। और आइए चाय पीने के लिए। चाय मतलब पक चुकी थी, तो मैंने बताया था मैं ज़्यादा पकाती हूँ चाय को, तो ऐसा लगा फिर और दूध डालना चाहिए, तो फिर उस फिर से मिल्क दाल ऐड कर दिया उसमें। ये मेरा टोस्ट रेडी हो रहा है, ब्रेड को डाल दिया टोस्टर के अंदर। थोड़ा क्रिस्पी लगता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ यही खाना, टोस्ट वाला। और वो उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है जैसे बटर लगा के खाओ, तो मुझे वैसा ब्रेड नहीं अच्छा लगता। अरे मेरे बच्चे की स्कूल थी, तो इनको उठा रही हूँ, बाबू उठ जाओ, हमारे स्कूल की बस आने वाली जल्दी आ जाएगी आज, तो ये रेडी हों उठने के लिए तब ना, क्योंकि इनको उठाना है, नाश्ता कराना है, नहलाना है, फिर रेडी करवाना है, फिर इनका टिफ़िन रेडी करना है। मगर इनको बहुत ज़्यादा, बच्चों को उठाने के लिए पता है ना, हर मम्मी को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है सुबह सुबह। तो ये बच्चे कल मतलब रात में लेट भी सोए थे ना, इसकी वजह से नींद नहीं खुल रही थी। ये मेरी चाय रेडी है, नाश्ता करने आई है आप लोग। और मैं ऐसी क्रीम वाली चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे प्लेन चाय नहीं पसंद है। ऐसे जब तक क्रीम ना लग डली हो उसके अंदर, तो ऐसा चाय अधूरी लगती है। और ये मेरी फ़िश मैंने, चलो दिखा दूँ आप लोगों को, इन लोगों को दाना डाला था थोड़ी देर पहले। और ये मेरी बर्ड्स जो विंडो पर रखी हुई है, ये चार थी ना, तो ये इसमें से एक नहीं रही, तो ये तीन बची हैं। और जो छोटी छोटी सी है ना, वो भी है। और ये मेरा, मैं बेटे के लिए बताया था टिफ़िन बनाना था उसके लिए, तो वही इसी को चाहिए, उसको हमारे पास सैंडविच चाहिए। पर आज थोड़ा सैंडविच डिफरेंट तरीके से बना रही थी, मतलब डिफरेंट थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत था, क्योंकि पोटैटो जैसे मैंने इससे पहले बताया था, जैसे मैंने आलू को मैंने तड़का देकर किया था, वैसे ही है। इससे पहले अगर नहीं देखा है किसी ने, तो मेरे पहले वाला व्लॉग देख लेना, जिसमें मैं सैंडविच की पूरी रेसिपी शेयर की हो। और इसमें वही टमाटर वटर डाल के बस सैंडविच को, डॉक्टर ओटकर का मैंने सैंडविच सॉस डाला था, और इसका टेस्ट अच्छा लग रहा था, सैंडविच चीज़ सॉस था, मैंने शो भी किया मैंने बॉटल, तो उसका टेस्ट अच्छा लग रहा था। तो बच्चे ने कहा कि मम्मा इस ये वाला सैंडविच बनाइए, तो ये इसको टिफ़िन में पैक करके दे दी थी। और ये मेरा और मेरे हस्बैंड का, और ये जो है ये मैं अशफ़ के लिए अलग से एक नमकीन भी पैक कर देती हूँ, कभी आते आते ना उसको टिफ़िन तो ख़त्म कर देते ना, तो रास्ते में भूख लगती है बस में, तो ये अलग से कुछ और भी दे देती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट रख देती हूँ, कभी नमकीन रख देती हूँ, कभी चिप्स रहता होता है वो भी रख देती हूँ, चॉकलेट रख देती हूँ, जो भी अवेलेबल हो उस वक्त में वो। और ये मैंने बेटा देखी बताया था ना सैंडविच उनके लिए बनाया था, तो ये इसका सैंडविच है। और ये है मिल्क शेक चॉकलेट वाला, और गर्मी में ज़्यादा चलते हैं, मेरे हस्बैंड ला के रखते हैं बच्चों के, ताकि बच्चे दूध पीने के लिए थोड़ा सा वो करते हैं ना कि ये फ्लेवर नहीं चाहिए, वो फ्लेवर नहीं चाहिए, तो ये छोड़ा। और ये अपना टोस्ट सैंडविच इंजॉय करते हुए बेटी मेरा, इनको यही सब चाहिए खाने के लिए, तो बच्चे बहुत इंजॉय करके खा लेते हैं ब्रेकफास्ट। और ये तो दोनों बेटी मेरे पास डिमांड कर देंगे, मम्मा कल ये बनाइएगा तो हम नाश्ता करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम बनेंगे। पर ये है कि मेरी बात भी सुनते हैं, अगर मैं कह दूँ कि बेटा अब आज ये नहीं खाओगे कल तुम ये खाओगे, तो फिर वो रेडी भी हो जाते हैं। मगर ये एक दिन पहले बता देते मेरे लिए भी सहूलत रहती है कि हाँ मैं बना, मुझे पता होता मुझे कल क्या बनाना है ऐसा। और ये मैंने आप लोगों से फल शेयर किया था ना, तो वो पैकेट है उसमें का एक मैंने बना चुकी थी मैंगो वाला, जो बहुत टेस्टी यम्मी था। ये वाला आप बच्चे कह रहे थे कि स्ट्रॉबेरी का बनवाइए, तो स्ट्रॉबेरी वाला आप इसमें दूध रखा है गर्म करने के लिए, और दूध बॉयल हो रहा है, अब इसमें शुगर ऐड करके इसको पका लूँगी अच्छे से। और ये जो स्ट्रॉबेरी का पैक है, जब दूध पक जाएगा तो ये पूरा डालकर इसको थोड़ा चिल करके फिर फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि चिल्ड हो जाए अच्छे से। ये मैंने डाल दिया है इसका पैकेट। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन की, आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 करें। जो भी देख रहा है न्यू सब्सक्राइबर है, जो भी न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पर आकर मुझे देख रही, आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, हम लोगों को सपोर्ट करो प्लीज़, आगे हमें आगे बढ़ाएं, आप लोग में सब लोगों को बढ़ाया ना, इतने लोगों की मदद की है अब सब नाज़रीन ने, तो आप प्लीज़ हम लोगों को ही मौका दें और हमें आगे बढ़ाएं। ये मैंने ना
इसमें आइसक्रीम भी मंगाया था तो उसको भी डाल दिया है, वनीला वाला फ्लेवर का मंगा। मैंने स्ट्रॉबेरी मंगाया था पर नहीं मिला तो मैंने वनीला ही मंगा, बच्चे ने वनीला लेकर आया तो मैंने जो लाया था तो वही मैंने कि ये रेडी हो गया था फालूदा, और जो मैं खुद इंजॉय कर रही थी, बच्चे भी पी चुके थे तो चलो मैं भी पी के आप लोगों को बताती हूँ। बहुत टेस्टी हुआ था ये भी स्ट्रॉबेरी, मुझे इतना मतलब पसंद नहीं है स्ट्रॉबेरी, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर। और फिर शाम हो गई थी तो फिर कुछ बनाना था तो मैंने कहा कि आज अंडा मसाला बना लेते हैं, एग मसाला करी, और मुझे थोड़ा भुना भुना बना, मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी। तो ये मैंने आलू को कट कर कर तेल गरम करके आलू को फ्राई करके निकाल लेना है, ताकि जब मैं अंडा तो बॉईल करके हम फ्राई कर लेते हैं ना तो अंडे को गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आलू को गलने में ज़्यादा टाइम लग जाता है अगर आलू कच्चा होता है तो इस तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे ना तो आलू बहुत जल्दी से हो जाता है मसालों में ही भुनते भुनते। तो ये मैं आलू फ्राई करके निकाल रही हूँ, और ये मेरा मसाला है, मसाले में मैंने प्याज और अखा धनिया, थोड़ा सा कोकोनट मैंने पीसा था इसमें, तो ये थोड़ा सा जो सूखा नारियल था ना उसको मैंने डाल दिया था, और प्याज थी और अखा धनिया, ये मिलाकर मैंने इसको मसाला बारीक पेस्ट कर लिया है। और ये थोड़ा सा मैं मुझे थिक बनाना था ना तो मसाला ज़्यादा रखा था मैंने, थोड़ा सा इसे गाढ़ा गाढ़ा सा, मुझे पतला सालन नहीं करना था। ये प्याज काट करके रखी हूँ, अंडे भी देखो मैंने बताया था मैंने अंडे फ्राई कर ले करके निकाल लूँगी अभी। ये अंडे मेरे फ्राई हो रहे हैं, अंडे फ्राई करके निकाल रही हूँ मैं, अंडे आलू दोनों फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें लगा दूँगी मैं नॉर्थ का तड़का और महाराष्ट्र का टेस्ट आ जाएगा, दोनों मिला के एक मसाले वाला एग करी तैयार हो जाएगा। मैं कड़ी पत्ता डाला और मैंने इसमें राई भी डाल ली है, सॉरी मेथी दाना भी डाला है, मेथी दाना डाल के मैंने कड़ी पत्ता डाला है, उसके बाद में मैंने अब इसमें डाला है मैंने प्याज कटी हुई जो आप देख रहे हैं, प्याज हो जाए तो इसमें जो मसाले मैंने भून कर रखे हैं वो डाल दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, और जो सूखे मसाले हैं वो डाल दूँगी, जैसे है देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, जैसे हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, ये टमाटर भी कट करके रखे हैं मैंने। प्याज ब्राउन हो गई तो इसमें डाल दूँगी बाकी की चीज़ें, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भून लेना कच्चापन निकल जाए ताकि इसका स्मेल कच्ची वाली स्मेल निकल जाए, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ये मैंने मसाले डाल दिए, और जो मैंने मसाला पीस कर रखा था ना प्याज और अखा धनिया और थोड़ा सा इसमें सूखा नारियल मिलाया था मैंने पेस्ट में, इसका पेस्ट बनाइए और इसका ऐसे जैसे मैंने बताया ना इस तरह आप बनाइए तो आपको देखिए आपका टेस्ट कितना अलग मिलेगा, और बहुत टेस्टी बनता है ये सूखा सूखा सा। अब इसमें मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ये मिला देने, भून लीजिए आप इसको अच्छे से। कोई भी मसाला अगर आप गोश्त बना रहे हो, फिश बना रहे हो, जो भी आप ग्रेवी तैयार, जिस चीज़ की भी ग्रेवी आप तैयार करें उसका मसाला बहुत अच्छा भूनना चाहिए, ये ज़्यादातर जो जायका होता है ना भुने हुए मसालों का होता है, उसमें मतलब जितना मसाला आप भूनेंगे उसका टेस्ट उतना बढ़कर आएगा आपके। इसमें अभी जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे वो डाल दिया इसमें, अब इसको थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे टमाटरों को, अब भुने मसाला अच्छे से, क्योंकि इस ग्रेवी में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके घर में जो सामान है बस उसी का रेडी कर लीजिए, फटाफट से बन जाती है ये। अब कुछ घर में ना रहे ना तो अंडा बेस्ट होता है बनाने के लिए, बच्चे भी खा लेते हैं और हम लोग, मैं भी खा लेती हूँ शौक से अंडा इस तरीके का बना हुआ, और मैं अभी ग्रेवी नहीं बनाती, मुझे ना ऐसा भुना भुना सा चाहिए था मसाले वाला। ये मैंने अंडे मैंने रखे थे फ्राई करके, आलू और अंडे ये डाल दिए मैंने, कि मसाला भुन चुका था अच्छी तरह से, अंडे आलू डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके हल्का सा पानी छोड़ दूँगी, जब हो जाए तो हरा धनिया छिड़क दूँगी, ये रेडी हो गया। ज़्यादा मैंने बताया कि ज़्यादा ऐसे मेहनत नहीं है, बस आपको मसाला ही अच्छा भूनना है, मसाला अच्छा भून जाए तो आप इसको डाल दें, थोड़ा सा आलू कच्चा होगा ना तो आलू को मैं पका लूँगी इसमें ताकि आलू सॉफ्ट हो जाए खाने में, ये हरा धनिया छिड़क दिया मैंने।
देखिए आपको मेरा व्लॉग रेसिपी के साथ अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से बार बार, मेरी मेहनत को कबूल करिए और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं, सपोर्ट करें और पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा आपको इंटरटेन कर सकूँ, अच्छे से अच्छा व्लॉग पेश कर सकूँ आप लोगों के सामने। ये मेरा रेडी हो गया ग्रेवी, अच्छा लग रहा है ना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।